दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं मोबाइल से, सिर्फ 2 मिनट में आप कर सकते हो। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में इस वीडियो को छोड़िएगा मत। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर को आपको ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर का इसमें आप यूज कर सकते हो। इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं एक एक स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है NSDL ePen। इतना लिखने के बाद सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट आती है डाउनलोड ePen कार्ड NSDL, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपके पास स्लिप है वो, तो स्लिप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास स्लिप है, बाय चांस अगर आपके पास स्लिप नहीं है, सिर्फ आपके पास पैन कार्ड का नंबर है, तो पेन पे क्लिक करके यहाँ पर पैन कार्ड की कुछ डिटेल्स आपको डालनी होगी, जिसमें आपको कुछ ₹8.26 का चार्ज देना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं, हमारे पास स्लिप है तो इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो स्लिप का नंबर है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा होगा, ये नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद मंथ ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका कौन सा महीना है वो आप सिंपली यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा साल है आपके डेट ऑफ बर्थ का, वो आपको यहाँ पर डाल के इस बॉक्स में जो ये कैप्चा लिखा है ना दोस्तों, वो सिंपली आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। जो भी इस बॉक्स में लिखा है वही सेम डाल के सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के यहाँ पर 4 डिजिट आखिरी की शो कर रहा है, यही नंबर है आपका, और ईमेल आईडी भी शो कर रही है। आप सिंपली यहां पर 2 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, तो आप इस पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करके इस पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं है, ईमेल आईडी पे लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पे क्लिक कर दीजिए। तो आप मोबाइल नंबर पे टिक कर इस पे टिक करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो चलिए मैं यहां पर, अगर आपने मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया होगा तो मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर इंटर करके वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना। देखिए ओटीपी डाल दिया, वैलिडेट पे मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड ePen, इस पर क्लिक करना है, ठीक है आपको। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसका जो पासवर्ड रहेगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सिंपली बिना स्पेस दिए आपको डालना है 0 से, जैसे कि एग्जांपल आपका है 6 मार्च, तो आपको 06 और उसके बाद महीना तीसरा है तो 3 का ईयर डालना है, साल कौन सा है, ठीक है, उस तरीके से डालना है आपको। अब जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आप देखेंगे आपका ePen कार्ड यहाँ पर जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हो इसको नीचे को फोल्ड करके आप लेमिनेट करवा सकते हो, जिससे आपका कार्ड सक्सेसफुली यहाँ पर प्रिंट हो जाए। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को शेयर कीजिए सब दोस्तों के साथ। में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं।